नमस्कार मित्रों, मैं रोहन शर्मा हाजिर हूँ आप सभी के सामने आपके अपने चैनल ज्योतिषिन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेष राशि के लिए। मेष राशि के तीन वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे, प्लेलिस्ट में मिलेंगे। सबसे पहले आपको करियर एंड फाइनेंस का एक वीडियो मिलेगा, आपको लव लाइफ, पर्सनल लाइफ और मैरिटल लाइफ का एक वीडियो मिलेगा, और आपको एक हेल्थ एंड एजुकेशन के बारे में एक वीडियो मिलेगा। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको आपने बाकी दो वीडियो और भी देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक ढूंढ सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, और इसके अलावा आप मेरे वीडियो की चैनल लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए 2020 में पर्सनल लाइफ, मैरिटल लाइफ और लव लाइफ किस प्रकार से जाने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल लाइफ के लिए। तो पर्सनल लाइफ, पारिवारिक जीवन में कुछ न कुछ छोटे मोटे उतार चढ़ाव आपको देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। विशेष रूप से आपके फादर के साथ आपके जो संबंध हैं या फादर की जो हेल्थ है, वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो चीज़ें यहाँ पर अच्छी होती जाएगी। जीवन के शुरुआती समय में जीवन का पूरा आनंद उठाएं, पूरा आराम से हंसी खेलते हुए निकालें, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर फायदा मिलेगा। जनवरी के बाद का जो समय रहेगा, वहाँ पर आप स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, ट्रांसफ़र अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, यहाँ पर चीज़ें आपकी अच्छी मिलेगी। और पूरा साल जो है, अगर आप मेहनत करेंगे तो उसके आपको अच्छे परिणाम यहाँ पर ज़रूर मिलेंगे। अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च का जो समय है वो बहुत अच्छा है। अप्रैल से अगस्त का जो समय है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भरा रहेगा, और कहीं ना कहीं पारिवारिक माहौल काफ़ी उत्साहजनक रहेगा, मेहमानों का आगमन आपके घर पे होता रहेगा, तो वो समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मई और जून का जो समय रहेगा स्पेशली, वहाँ पर आपको थोड़ा सा फैमिली में ध्यान रखना है, किसी की हेल्थ खराब ना हो जाए, स्पेशली फीमेल्स की हेल्थ, आपकी वाइफ है तो वाइफ और आपकी मम्मी है तो मम्मी, बहनें हैं तो बहनें, उनकी हेल्थ का आपको थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आप विदेश शिफ्ट होना चाहते हैं या विदेश में ट्रैवल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली बहुत अनुकूल समय है, बहुत अनुकूल साल है, और कभी भी आप इस साल में, स्पेशली शुरुआत के सालों महीनों में और अंत के महीनों में, आप यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरह से एक प्लान बना सकते हैं और अपने सपने को पूरा यहाँ पर कर सकते हैं। बात करते हैं वैवाहिक जीवन और संतान पक्ष की, वैवाहिक जीवन और संतान पक्ष किस प्रकार से रहेगा यहाँ पर। तो 2020 में वैवाहिक जीवन की अगर बात करें दोस्तों, तो वैवाहिक जीवन में आपको मिश्रित परिणाम यहाँ पर मिलेंगे, कहीं अच्छा मिलेगा तो कहीं थोड़ा सा खराब मिलेगा। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहने के लिए आपको क्या करना है, आपको बस बैलेंस बना के रखना है, और ख़राब हो तो उसको क्या करना है, टाइम पे सुधार देना है, नहीं तो बीच के महीनों में अगर आप आ गए, फंस गए तो चक्रव्यूह में फंस जाएंगे और एक तरह से आपको प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाएगी। जनवरी से अप्रैल और नवंबर से दिसंबर, ये अच्छा समय है। अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का जो समय है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक समय है, तो यहाँ पर आपको विशेष थोड़ा सा ध्यान रखना है। संतान पक्ष की बात करें, अगर आपकी संतान नहीं है, आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय है। संतान अगर आपकी है तो आप उनसे रिलेटेड शिक्षा में, हेल्थ में, एजुकेशन में, सभी तरफ से बहुत ज़्यादा सावधान, अच्छी तरह से आपको समय जाएगा, और स्पेशली जो महीने मैंने बताए हैं उनका खासा ध्यान रखिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे यहाँ पर जाने वाले हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, शादी करना चाहते हैं और अरेंज मैरिज के चांसेस बनते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। परिवार वालों को बोलिएगा कि अरेंज मैरिज शुरू कर दें, और कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी यहाँ पर होती जाएगी। जीवन के प्रति जो आपका दृष्टिकोण है वो आप बहुत अच्छा बना के रखेंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। वाइफ से किसी भी बात को लेके मतभेद बिल्कुल ना करें, स्पेशली सितंबर अक्टूबर का महीना जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा खासा रहेगा, तो बहुत ज़्यादा कहासुनी ना करें, चीज़ों को शांत रखें और आराम से क्लियर कर दें, वो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा। अब बात करते हैं लव लाइफ की, लव लाइफ किस प्रकार से रहेगी मेष राशि वालों के लिए 2020 में। तो लव लाइफ की बात करें तो शुरुआती महीने में थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है, अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, अपने लव पार्टनर को या उनकी फैमिली से मिलने जाना चाहते हैं, थोड़ा सा शांत रहें, थोड़ा सा जल्दबाजी ना करें। फरवरी का महीना आने दें, 5 फरवरी निकलने दें, उसके बाद देखिएगा समय किस प्रकार से आपके पक्ष में जाता है और कैसे आपको फ़ायदा मिलता है। फरवरी में वैलेंटाइन डे भी आता है, तो बहुत अच्छा महीना है और बहुत अच्छा समय है ये आपके लिए, जहाँ पर आप अपने लव पार्टनर को प्रपोज कर सकते हैं, शादी के लिए बोल सकते हैं, और कहीं ना कहीं लाइफ को आगे यहाँ पर, यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कंफर्म है कि फरवरी के बाद अगर आप सिंगल हैं और अगर आप रेडी टू मिंगल, जिसको हम बोलते हैं रेडी टू मिंगल होना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, और फरवरी के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में किसी न किसी का आगमन यहाँ पर ज़रूर होगा। अब बात करते हैं इस महीने आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई से महीने में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, स्पेशली जून जुलाई के महीने में। जून जुलाई का महीना थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स वाला हो सकता है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, और
अगर आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, तो भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर समय है और आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे आप। अब एक बात और भी है कि अगर आप अपने लव पार्टनर के साथ मिलकर कोई काम शुरू करना चाहते हैं या उनके साथ मिलकर कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, तो देखिएगा कि शुरू के महीने में हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मिड के महीने में ना करें। जनवरी फरवरी मार्च का जो समय रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा, उसमें आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल भी होगी, अदरवाइज बीच में करेंगे तो प्लानिंग शुरू होते ही यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अवसर आपको नहीं मिलेगा उसका, तो फिर आपके पर्सनल लाइफ में भी इश्यूज़ यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि 2020 का जो साल है ये आपके लिए मंगलमय हो, बहुत ही ज़्यादा खुशियों वाला हो और बहुत ही ज़्यादा अच्छा साल ही आपके लिए हो। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ जो वीडियो में इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ये आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। मेष राशि वालों के लिए करियर से रिलेटेड एक अलग वीडियो बनाया हुआ है और हेल्थ से रिलेटेड एक अलग यहाँ पर वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे भी ज़रूर देखें। इसके अलावा फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करना चाहते हैं जो मन आपको अच्छा लगे वो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसी के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे मेष राशि वालों को फ़ायदा मिलेगा और उनका भी लाइफ अच्छा यहाँ पर 2020 में होता हुआ दिखेगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी कोई परेशानी आपके जीवन में चल रही है, और भी कुछ घटनाएं आपके जीवन में हो रही है और आप कंसल्ट करना चाहते हैं, या 2020 का साल जो आपके लिए स्पेशली आपकी कुंडली के लिए किस प्रकार से रहेगा वो अगर जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी अच्छे से यहाँ पर मदद कर सकूँ।